वेलकम बैक टू माय चैनल हनी गेमर ब्लॉग। तो आज हम एक टॉपिक पे बात करने चाहिए कि आपको एनिमल्स को खाना देना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर भी वो प्यार होता है। जैसे कि मैं थोड़े दिन में डॉगी लेने वाला हूँ, तो मैंने बोला भाई कि प्लीज़ मेरे को दिला दो, मैं अमेज दे देंगे। तो मेरे तो अभी मैं सीधा अब्बो के पास ही रहूँगा और मम्मा पैसे दो। दीदी बात करेंगे, पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मेरे भाई को सपोर्ट करो। तो फिर मैं फिर आप लोग एनिमल्स के साथ बुरा मत किया करें, उनके अंदर जान होती है। ठीक है। और आज अंदर डॉगी को दूध पिलाने वाले हैं। कालू डॉगी है बाहर, जो हमारे घर के बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे दुकान पे दूध लेने। चलो जी, अच्छे बच्चों की तरह शोर नहीं करना है। अभी बंद कर दो। क्यों? नहीं, चलने दो। ये लो, बंद कर दो ना। सही है ना, आने दो ना। अभी हम जा रहे हैं हिंदू पार्क। जा रहे हैं हिंदू पार्क। नहीं जा रहे हैं हिंदू पार्क। नहीं बोल क्या ले रहे हैं। अभी कहाँ गए? चलो कुछ ठीक। तो काय में डालोगे? चाय में नहीं डालना। दे दे हमको। नीचे करना कैमरा। हाँ बना दे। अभी कटोरी ले। सही खुला दूध दिखाती हूँ। ये भी हमने मिल्क पैक लिए, तो आप भी ऐसे पपीज को डाला करें। चलो ये हमारे बेटे जा रहे हैं, अभी पपीज को जो है ना वो मिल्क डालेंगे। ये अच्छे बच्चे हैं बहुत हमारे, स्वीट। ये आगे भाग गया। अभी बच्चा जो है वो ज़्यादा स्पीड से भाग। ये कहते हैं मैं फौजी बनूंगा, मैं शहीद होऊंगा। वो स्पोर्ट्समैन बनेगा। फौजी बनना ही है तो ऐसी बातें मत करना, शहीद होने। वो रनिंग करता है, रनिंग। वो शहीद होगा, वो स्पोर्ट्समैन बनेगा। उसको हम लोग ओलंपिक्स में भेजेंगे। उसकी कोई मार नहीं सकता। ये देखें, ये जी चलो 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 चलो, ये जो है जी, ये हम वापस से मिला है हमें। 1 किलोमीटर चले हम। 1 किलोमीटर चले। वो देखो दोनों ही हैं, इधर दे दो, दे दो, डाल। जा रख उसके पास। यार मेरे को डर लग रहा है, खुद रख। अरे यार मैं तो डर रहा है। ये देखो कितना अच्छा बच्चा है। ये बहुत शेर जैसे बच्चा है, तो ये रखिएगा। ये गुड। वहाँ खड़े रहो, खड़े होते। चल तू भी जा, तू भी जा, डरपोक। पकड़ लगा लेना हाथ, फिर क्या करें। अब तो फिर क्या फायदा। एक किसको भी दो। चलो कम इसमें और डाल दो। चलो वो उसने पी लिया, उसको उठा। अब इधर आओ, काम। डाल दे उसी को, डाल दे। वो नहीं आ रहा, वो चला गया। मैंने तो पहले आप लोग बोला
बोला था कि पपीज के साथ या कैट्स ही मतलब किसी भी एनिमल्स के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, उनके अंदर भी जान होती है। तो दोबारा ऐसा मत आप लोग प्लीज मत करना, काफी लोग जैसे जख्मी होते हैं वो आप लोग ही करते हैं उनको सब। सो व्यूअर्स अभी अबनर साहब आ गए हैं डॉगी को दूध डालकर, और अब आकर ये हैंड वॉश कर रहे हैं हैंड वॉश के साथ। अबनर अबनर बस करो बेटा वॉश करके हटो, मजा आया डॉगी ने दूध पिया था। तो आज हम ब्लॉग का एंड कर रहे हैं क्योंकि अभी माय डिनर का टाइम हो गया, चार से ऊपर टाइम हो गया, तो इसलिए अभी हम ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, वरना चार से ऊपर टाइम नहीं होता, अगर चार से बज जाते फिर भी हम ब्लॉग। तो दीदी आप आज के ब्लॉग के बारे में क्या बोलोगे? लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है नूर दीदी? आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, हमें बताएं कमेंट्स में कैसा लगा, कमेंट में बताओ कैसा लगा, जितने सबसे अच्छे लगे उसको शॉर्टकट मिलेगा। ओके बाय। हेलो व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मगर मैं ठीक हूँ, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, और इसलिए आज के ब्लॉग में मैंने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया बच्चों के साथ। अच्छा मुझे आप सबसे आप सबको एक बात बतानी है, आज के ब्लॉग में बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और एनिमल्स के लिए एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट है, उन्हें भी प्यार करना चाहिए। तो बच्चों ने एक लेसन बनाया था अपनी तरफ से आज की, उन्होंने एक स्टोरी बनाई थी, ये नथैनियल का सारा आइडिया था, और वो चाह रहे थे कि मैं आज के ब्लॉग में लेसन देना चाह रहा हूँ। आज सैटरडे था तो उसकी छुट्टी थी स्कूल की, तो का दिल था कि हम लोग ट्यूशन जाने से पहले अपना ब्लॉग आज बना कर जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया ना, फैनल के असेसमेंट चल रहे थे। तो आज के ब्लॉग पे बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सो आप सब ने लाजमी बताना है कि आपको ब्लॉग कैसा लगा, और ज़रूर लाइक करना है मेरे बच्चों के ब्लॉग को, उन्हें सपोर्ट करना है, और आप लोगों के बहुत सारे सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। सो आप लोग प्लीज़ 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 जिन लोगों ने अभी तक नहीं लाइक सब्सक्राइब शेयर किया वो प्लीज़ करें, और मेरे बेटे को बहुत सारा प्यार दें, और क्योंकि उसके दिल में ये बहुत ख्वाहिश है कि वो बहुत जल्दी फेमस होने वाला है, तो जैसे खुदा की मर्ज़ी खुदा ने चाहा तो ज़रूर लोग उसे पहचानेंगे, उसके नाम से उसे जानेंगे। इवन वो कहते हैं मम्मा लोग आप लोगों को मेरे नाम से जानेंगे कि ये हनी गेमर के मामा पापा हैं, और बस आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहें, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं लाइक किया है उन सब का थैंक यू, उनके प्यार के लिए उनके सपोर्ट के लिए बहुत सारा थैंक यू। सो इंशाल्लाह नए ब्लॉग के साथ आपको ज़रूर मिलेंगे, ठीक है, गुड बाय, सी यू।